जी सर, तो इसमें सर मैं आपको ना परचेज एंट्री बताता हूँ। परचेज एंट्री के बाद फिर आप सेल एंट्री समझ सकते हैं। अब जैसे ही आप परचेज पे क्लिक करेंगे, बिल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपके परचेज बिल इसमें एंट्री हो रखी होगी वो लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर मतलब सेलर से सप्लायर से हो रखी होगी, बिल्कुल यहाँ पे सारे के सारे बिल्स आ जाएंगे आपके सामने। अभी कोई भी बिल नहीं है। अब हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं नया बिल चढ़ाने के लिए। उसके बाद सबसे पहले जो कर्जर है आपका ये डेट पे है, क्योंकि जो परचेज बिल आता है वो एक दो दिन पहले का होता है या करंट डेट का भी आपके पास आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे 30/12 है, सपोज आपके पास जो बिल आया है वो 28/12 को आया है 2022। उसके बाद डेट डालने के बाद एंटर करेंगे आप, तो किस सप्लायर से आपने ये लिया है वो सप्लायर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर वो सप्लायर नहीं है यहाँ पे तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे सप्लायर को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे ही आप सप्लायर पे क्लिक करेंगे क्रिएट करने के लिए, तो जो भी सप्लायर की डिटेल्स है, जैसे उनका लेजर नेम यानी कि फर्म नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजों को आप मेंशन कर दीजिए अगर है आपके पास कोई सप्लायर की डिटेल। तो आप जी मेंशन करिए लेजर नेम में, लेजर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, ये डिटेल्स को डालिए आप। ठीक है, ठीक है, मैं सपोज डाल देता हूँ SB ट्रेडर, जिनसे आप सामान खरीदते हैं। और ये स्टेशन आप डाल सकते हैं स्टेशन में, जैसे अब आप कर्नाटका में हैं तो कर्नाटका में बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज बेंगलुरु है या मेन कर्नाटका है या कर्नाटका के अंदर और भी प्लेसेस हैं, तो आप यहाँ पे चाहें तो उस स्टेशन का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, अब जो भी उनका एड्रेस है। और एड्रेस के लिए 3 लाइनें यहाँ पे मेंशन है, अगर किसी का एड्रेस ज्यादा लॉन्ग भी है तब भी आप इसको क्या है शॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद किस कंट्री, कौन से स्टेट और सिटी, सिटी भी आप डाल सकते हैं। जैसे ये सपोज ये पार्टी आपकी बेंगलुरु की है तो बेंगलुरु यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो भी आप इसका पिन कोड होगा, पिन कोड आप मेंशन कर सकते हैं 6 डिजिट का। उसके बाद अगर कोई इनका पहले से बैलेंस चलता हुआ आ रहा है तो आप ओपनिंग में डाल सकते हैं यहीं पे। और अगर इन्होंने कोई आपको टाइम दे रखा है क्रेडिट डेज का, कि जब भी इनका बिल आता है और उस बिल की पेमेंट आपको 30 दिन में करनी है, 15 दिन में करनी है, तो वो डेज भी आप पहले से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है उन सप्लायर का नंबर। और यहाँ पे ऑटोमेटिक व्हाट्सएप में आ जाएगा। अब उसके बाद फिर आपको GST डालना है, तो ये अनरजिस्टर्ड पे क्लिक है, आप इसको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे और उनका GST नंबर आप यहाँ मेंशन कर देंगे। जी ठीक है, तो जिसका GST नंबर गलत है वो फिर यहाँ पे इसको प्रोसीड ही नहीं करेगा जब तक सही नहीं डालेंगे आप। तो यहाँ से आप डाल देंगे। अगर उनके पास कोई और लाइसेंस नंबर है, जैसे FSSAI लाइसेंस नंबर है या ड्रग लाइसेंस नंबर है, तो प्लस पे प्रेस करके आप कर सकते हैं इसको भी। उसके बाद अब जो ये फर्म है SB ट्रेडर, तो इसमें आप किन से कॉन्टेक्ट करते हैं उसकी डिटेल को भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी उनका फर्स्ट नेम है और वो मैनेजर है, सेल्समैन है, कौन है, यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो भी उनकी वेबसाइट और ईमेल है वो भी मेंशन कर देंगे। अब इन जो आपका वेंडर है, ये इस वेंडर की बैंक डिटेल आप पहले से मेंशन करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको इन्हें पेमेंट करनी होती है टाइम टू टाइम, तो डिटेल में जाके इनकी पेमेंट डिटेल आप निकाल सकते हो। और अदर्स में आप जो है, आपको कुछ डिस्काउंट आता है तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, डिस्काउंट है या स्टेटस है, इसको इनएक्टिव करना है, इस पार्टी के साथ आप डील नहीं करते आप, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये अदर डिटेल्स में है, तो अदर डिटेल्स में काफी एडवांस चीजें हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बेसिक्स सारी की सारी यही है कि उनकी डिटेल, GST और उनका कॉन्टैक्ट और बैंक डिटेल्स। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसी ग्रीन सिक आपके पास ये आ गया, नोटिफिकेशन रिकॉर्ड सेव्ड हो गया है। अब आप क्लोज करेंगे तो पहले हमारे पे सिर्फ कैश का लेजर था, अब देखिए एक लेजर हमारा और क्रिएट हो गया यहाँ पे SB ट्रेडर। अब ऐसे ही इन फ्यूचर जितनी भी पार्टीज आपकी जनरेट होगी तो आप यहीं क्रिएट पे क्लिक करके उसको एड ऑन करेंगे जी। और जब एड ऑन हो जाए, अब इसको सिलेक्शन करना है, तो सिंपली आप एंटर कर देंगे। उसके बाद
यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन करना है जो कि आपके इनवॉइस पे ही शो हो जा रहा है। और अगर इनका कोई पहले से प्रीवियस बिल है तो राइट हैंड साइड में आप देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, अगर कोई पहले बिल आया है, जितने भी बिल्स इनके चल रहे हैं तो यहीं पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे भी इनवॉइस डेट पे भी आप यही मेंशन करेंगे। और ये स्टोर सर, स्टोर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे स्पेस का बटन यूज करेंगे। अब जैसे ही स्पेस का बटन यूज करेंगे, अब ये जो सामान आप खरीद रहे हैं ये आपके आरसी गोडाउन में जा रहा है, तो आरसी गोडाउन को आपने सेलेक्ट कर लिया और इसे यस करेंगे। अब जितनी भी जो इन्वेंटरी आप यहाँ पे डालोगे वो सारा का सारा स्टॉक आपके आरसी गोडाउन में जा रहा है, आपको मेन स्टोर में नहीं दिखेगा। और बारकोड पता है तो बारकोड से कर सकते हैं, नहीं तो एंटर करके आपकी जो आइटम लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि ये आपके आइटम लिस्ट है, सपोज आमला आपने परचेज किया इनसे, मैंने आमला पे एंटर किया। अब आमला पे जैसे ही एंटर करेंगे तो जो भी इसकी एमआरपी है, पहले आपको एमआरपी मेंशन करनी है और फिर कितनी क्वांटिटी आपने इनसे खरीदी है। और अगर आपको कुछ फ्री मिला है, जैसे कि सपोज मुझे दो क्वांटिटी फ्री मिली है और 80 रुपए का आपका रेट है, और आइटम में कोई डिस्काउंट है आपका, यानी कि आइटम वाइज कोई डिस्काउंट है, जैसे सामने वाली पार्टी ने मुझे 4% का डिस्काउंट दिया पर आइटम, तो मैंने मेंशन कर दिया। ये मेंशन हो गया, उसके बाद जो है अब आप यहाँ पे सेल के लिए जो ये विंडो ओपन होता है, ये सेल के लिए विंडो ओपन होता है। अब सेल में आपको सेल प्राइस क्या रखना है, मान लीजिए ये सेल के लिए डील है, जैसे सेल में आपने रखा कि आप 12 क्वांटिटी लेने पे एक क्वांटिटी फ्री देंगे, और जो इसका सेल रेट है 100 है, लेकिन आप चाहते हो कि 100 का सेल नहीं करना, हमें 95 का करना है, तो ये भी सिलेक्शन आप कर सकते हो। और नीचे आपको पूरी कैलकुलेशन जो है मिलती रहेगी कि 100 के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है। अब ये देखिए जो कॉस्टिंग आपकी आ रही है लगभग 70 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, इसमें प्रॉफिट जो आपको मिलेगा 43 रुपए के आसपास, 43% का प्रॉफिट है इसमें आपका, कॉस्टिंग आफ्टर जीएसटी जो भी है, और मार्जिन आपका इसमें 30% का है टोटल सेल मार्जिन। तो इस तरीके से ये सेल का विंडो है जो कि आप डिटेल को मेंशन करके रखेंगे, और उसके बाद जब एंटर करेंगे फिर कंटिन्यूसली आपका ये, अब इसको आप इसी तरीके से कंटिन्यूसली करते रहेंगे। अब मैंने ये आइटम बिल्कुल क्रिएट का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब जैसे ही मैंने इस आइटम पे एंटर किया, अब इस आइटम की क्या एमआरपी है मुझे ये मेंशन करना होगा, उसके बाद कितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी है सामने से, फ्री क्या मिला है, नहीं मिला तो आप जीरो छोड़ सकते हैं। अब इसकी जो परचेज रेट है, सपोज मेरे पास परचेज रेट इसकी 74 की है और कोई डिस्काउंट नहीं है मेरे को इस पे मिला, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये सेल विंडो है आपका। अब सेल भी आपको 145 में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी नीचे शो हो गया। अब ऐसे ही हम जो है कंटिन्यूसली करते रहेंगे जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं। उसके बाद लास्ट में हाँ जी, 0+0 रहेगा, क्योंकि जब भी आप देखे, मैं तीसरा आइटम भी एंटर कर लेता हूँ, तो ये आपकी खुद की चॉइस है कि सेल में आपको ज्यादा ध्यान न रखना पड़े। अब जैसे इसकी एमआरपी 150 है और मैंने 52 पीस परचेज किया, फिर ही मुझे कुछ नहीं मिला इसमें, और 120 रुपए का मुझे ये पड़ा है, और कोई डिस्काउंट मेरे पास वेंडर से नहीं आया, तो ये अब आपका सेल का विंडो है। अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं यहीं पे, ये इसलिए करने के लिए होता है कि सेल में आपको ज्यादा काम ना करना पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिक रहे, क्योंकि परचेज के टाइम पे ही आप जो भी करना चाहते हैं डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि सेल प्राइस इसके अंदर नहीं है, अगर मैं सेल प्राइस नहीं डालूंगा और जब मैं सेल करूंगा तो वहां पे क्या है, सेल प्राइस के अंदर 0 ही मेंशन होके आएगा, फिर मुझे वहां पे जो है दिक्कत लेनी पड़ेगी, बार बार उसको ऊपर जाके एंटर एंटर करके प्राइस डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ हाँ बिल्कुल 0+0 रखना। अब जैसे इसका सेल प्राइस में 145 करना चाहता हूँ, 150 की एमआरपी है, 145 का मैंने सेल रेट कर दिया इसका। अब ऐसे ही कंटिन्यूसली सारे आइटम को आप डालते जाएंगे, चढ़ाते जाएंगे, और अगर आपको वेंडर ने बिल डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे बिल डिस्काउंट का ऑप्शन है, परसेंटेज में भी और अमाउंट में भी। तो अगर मेरे को यहाँ बिल डिस्काउंट मिला है 10% का, तो 10% के हिसाब से बिल डिस्काउंट 945 रुपए का हो गया, और जो आपका बिल सेव होने जा रहा है 7931 रुपए का। उसके बाद आप एंटर एंटर करके भी सेव कर सकते हैं, F10 से भी सेव कर सकते हैं, और अपने माउस के पॉइंटर से यहाँ पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये डिटेल यानी कि जो परचेज है आपकी सेव हो रही है, और नीचे नोटिफाई आपको मिल जाएगा कि आपका परचेज बिल जो है यहाँ पे डन हो चुका है। अब यहाँ पे अब ये पूछ रहा है आपको बारकोड के लिए, जो आपका बैच है उसके अकॉर्डिंग जो बारकोड है, अगर बारकोड का प्रिंट करना है तो आप इस पे क्लिक करके साथ साथ इनके बारकोड भी निकाल सकते हो। अब बारकोड कितने निकलेंगे, जितनी आपने क्वांटिटी परचेज करी है,
तो परचेज के टाइम पे ही जो परचेज के काम होते हैं, बारकोड निकालना, सेल रेट डालना, स्कीम लगाना, तो सारी चीजें यहीं पे हो जाती है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसबी ट्रेडर का जो बैलेंस है, अब बैलेंस भी जो है जनरेट हो चुका है 7931 रुपए किस लिए, क्योंकि अभी हमने इसका परचेज बिल लिया है और कोई पेमेंट अभी हमने नहीं करी है। अगर आप बिल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके बिल्स यहाँ पे होंगे वो आ जाएंगे। अब जैसे कि हमने जो बिल चढ़ाया है वो 28 तारीख का चढ़ाया है, तो आज टुडे में तो ये आएगा ही नहीं, तो मैं यहाँ टुडे पे क्लिक करूंगा, दिस मंथ पे क्लिक करता हूँ, तो जितने भी इस महीने के बिल होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब इस बिल के अंदर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, तो आप सेम इसी लोकेशन पे परचेज के अंदर बिल पे आएंगे और अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे कि वो बिल कब आपने मेंशन किया था, और यहाँ पे लास्ट में ये ऑप्शन आते हैं एक्शन के, तो आप इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद सेम जो आपका बिल था वो एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सपोज कि जो पहला आइटम है आमला, इसकी क्वांटिटी इसमें 20 है, और सपोज मेरे से गलती से 20 डल गई, बट एक्चुअल में मैंने इससे 50 परचेज किया है, तो अब उसके बाद मैं इसको कंटिन्यूसली एंटर करके आगे प्रोसीड कर दूंगा, और यहाँ पे जो भी सेल प्राइस है, जो भी स्कीम मैंने रखा है, सेल डील शुड बी लेस इक्वल, ठीक है मैं इसको जीरो कर देता हूं भी। अब ये मेरी 50 क्वांटिटी एडिट हो गई है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से अमाउंट भी जो है बढ़ गया है, पहले 7900 था, अब यहाँ पे 10000 हो गया क्योंकि क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। उसके बाद मैंने इस बिल को सेव कर दिया, ठीक है। तो 2 से 3 क्लिक कर सकते हैं या F10 कर सकते हैं। अब दोबारा से बार कोड का ऑप्शन आ रहा है, निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे क्लोज कर देंगे। और अगर इसमें से एक आइटम का निकालना होता तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे, नहीं अगर एक आइटम का निकालना है तो स्पेसिफिक आपको जाना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ नहीं सर, यहाँ यहीं पे क्लिक कर सकते हैं आप। ये देखिए, अब ये 50 क्वांटिटी है, बट फिलहाल मैं इसकी 20 बारकोड निकालना चाहता हूँ, तो मैंने 20 मेंशन कर दिया, बाकी सब को जीरो। हाँ, और बाकी सब मैं जैसे इसको मुझे नहीं निकालना, मैंने जीरो कर दिया, और इसको भी मुझे नहीं निकालना, जीरो कर दिया मैंने। उसके बाद मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा, तो जो भी आपका बारकोड का फॉर्मेट होगा उस पर आप प्रिंट कर सकते हैं सीधा। बाकी पहले मैं व्यू कर लेता हूँ कैसा ये आ रहा है, तो ये देखिए आपका एक ही बारकोड निकल रहा है। अभी जो 50 पेज पे जो निकलेगा 20 पेज पे, तो सेम एक ही आइटम है आपका, ठीक है। तो वहीं पे आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो अब जैसे मुझे नहीं निकालना, मैंने स्केप, और अगर आपको ये नहीं निकालना तो यहाँ कीबोर्ड से स्केप करेंगे, क्योंकि यहाँ क्लोज का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा, तो स्केप से आप बाहर जाएंगे। अब देखिए इसका जो अमाउंट है, हमारा बिल एडिट भी हो चुका है, अमाउंट बढ़ भी चुका है। अगर इस बिल को मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे डिलीट करूंगा बिल डिलीट हो जाएगा, इनका जो बैलेंस है वो डिलीट हो जाएगा, और जो हमारा स्टॉक का जो बैलेंस था वो भी डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं चलता हूँ अपने, मुझे अगर स्टॉक अदर मास्टर स्टॉक पे क्लिक करता हूँ और आरसी तो ये देखिए आरसी का जो स्टॉक है वो ये है, ये ओपनिंग में आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं स्टोर पे क्लिक करके, इन्वेंट्री में स्टोर और स्टोर में आरसी गोडाउन। अब जैसे आरसी गोडाउन पे मैं एंटर करता हूँ, नहीं यहाँ से ये जो है ना स्टॉक, हाँ ये स्टोर, हाँ यहाँ पे स्टोर बना सकते हैं, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। स्टोर वाइज सबसे इजी ऑप्शन यही मेरे को लगता है, ओपनिंग में जाके स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे गोडाउन पूछेगा कि कौन से गोडाउन का करना है। तो जैसे ही मैंने आरसी पे क्लिक किया तो ये जो स्टॉक दिखा रहा है ये मेरे पास अवेलेबल है। अब देखिए ये 52 पीस है, ये 14 पीस है, ये 52 पीस है। उसके बाद डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब इसी तरीके से जितने भी आपके परचेज बिल हैं, सारे परचेज बिल आपके ऐसे ही चढ़ेंगे। अब परचेज बिल के साथ में एक चीज और है कि अगर आपको, तो आपने जो परचेज बिल लिया है अब उसका आपको डेबिट नोट जनरेट करना है, यानी कि परचेज रिटर्न करना है, तो इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा रिटर्न का। परचेज के स्लैब में जाके ही आपको रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे, और रिटर्न पे क्लिक करने के बाद अभी कोई भी रिटर्न जनरेटेड नहीं है, आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करंट डेट ही मेंशन करनी है जिस दिन भी आप ये रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अब किस पार्टी के रिगार्डिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पे पार्टी भी आ जाएगा एसबी ट्रेडर। उसके बाद आप कौन से गोडाउन से करना चाहते हैं, अब यहाँ पे स्पेस का बटन यूज करके
आरसी गोडाउन से करना चाहता हूँ और इसे यस करेंगे। अब यहाँ पे जो है डिटेल आपको मेंशन करनी है कि बिल नंबर क्या है, अगर आपको सिंगल, यहाँ पे ऑप्शन भी है सिंगल करना है या आपको मैन्युअली करना है, तो मुझे सिंगल करना है, तो सिंगल में आप बिल नंबर जो मेंशन करेंगे और जो भी उसकी डेट है अपने आप ही आ जाएगी, उसके बाद ओके करेंगे। अब उसके अंदर के आइटम सिलेक्शन आपको करने हैं, क्योंकि इसमें तो हमारे पास तीन आइटम आए, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आंवला वापस करना चाहते हैं हम उसको, तो आंवला पे मैंने क्लिक किया और आंवला पे क्लिक करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। अब मुझे तीनों आइटम वापस नहीं करने, सिर्फ आंवला वापस करना है। अब यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि आंवला वापस करना है पर मेरे को 50 क्वांटिटी नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 35 क्वांटिटी वापस करना है। यहाँ पे तो सब पूरा ही लोड होगा ये, क्योंकि हमने जो है सिलेक्शन किया हुआ है सिंगल का, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं कि अपने हिसाब से, तो उसको मैनुअल सिलेक्शन करेंगे, आप मैनुअल में ही डाल सकते हैं। अब जैसे कि हाँ जी, वो सिंगल और मैनुअल का मतलब हम नहीं समझता, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से इसे क्लोज करके दोबारा से करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे। आप जाएंगे परचेज में स्टॉक रिटर्न्स, यहाँ पर रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद करंट डेट ही आप मेंशन करेंगे और यहाँ पे पार्टी का सिलेक्शन करेंगे, किस पार्टी को आप रिटर्न करना चाहते हैं, और एंटर करने के बाद कौन से गोडाउन से, आप ये गोडाउन का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और इसे आप करेंगे यस। अब यहाँ पे जो सिंगल है, सिंगल का मतलब है किसी स्पेसिफिक एक बिल के रिगार्डिंग ही उसका काम आप कर सकते हैं। अब सपोज आपने जो है एसबी ट्रेडर से चार बिल लिए हैं परचेज के, और उस चार परचेज के बिल में से किसी एक बिल से आपको दो आइटम वापस करना है, किसी दूसरे बिल से तीन आइटम वापस करना है, किसी तीसरे बिल से एक आइटम वापस करना है, यानी कि मल्टीपल बिल से मल्टीपल आइटम को आप जो है वापस करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जो है ना मैनुअल सिलेक्शन करना है। तो मैनुअल सिलेक्शन करके ओके करेंगे आप। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है आइटम को पिकअप कर सकते हैं कि कौन कौन सा मुझे वापस करना है। आप जैसे ये 52 मेरे पास अवेलेबल है, बट मुझे जो ये वापस करना है, ये वापस करना है 20 पीस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैनुअली चीजें हम कर पा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हम सिंगल कर रहे थे तो सिंगल में वो 52 पीस की क्वांटिटी थी जो कि हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने वहां पे सिलेक्शन किया हुआ था ऑटोमेटिक कि सिंगल में से हम एक आइटम को वापस करना चाहते हैं पूरा, तो वो आपको चूज करना है अगर ऑटोमेटिकली चाहते हैं, अगर किसी सिंगल बिल का ही है। अगर आपके पास जो परचेजर है आपका उनके मल्टीपल बिल्स हैं और मल्टीपल बिल्स से मल्टीपल आइटम को आप जो है उन्हें वापस देना चाहते हैं, तो आपको मैनुअल सिलेक्शन करना है। मैनुअल सिलेक्शन के बाद आप जो भी वापस करना है, आप करने के बाद इसको सेव कर देंगे। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो इनका डेबिट नोट जनरेट हो गया, जिसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे ही डेबिट नोट मैंने जनरेट किया, जितने भी आइटम का, उस आइटम का जो अमाउंट है वो लेस हो गया इनका, और लेस होने के बाद अब जो हमें इन्हें पेमेंट करनी है 8,468 रुपए की पेमेंट करनी है। पेमेंट कहाँ से करना दिखाएंगे? जी सर, वो अभी मैं बता रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ, क्योंकि परचेज बिल के साथ जितने भी केसेस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं कवर कर रहा हूँ आपको। अब जैसे कि सबसे पहले जो परचेज स्टॉक का जो चढ़ाने का जो तरीका है, सबसे मेनली तो परचेज बिल से ही होता है कि जैसे ही आप परचेज बिल एंटर करेंगे तो जो आपका स्टॉक है, स्टॉक आपका एड ऑन हो जाएगा, और फिर परचेज बिल आपने जो चढ़ाया है उसके साथ जो दूसरा केस होता है कि कभी हमारा सामान डंप आ गया, खराब आ गया, एक्सपायर्ड आ गया, या फिर हम अपने हिसाब से ही सामने वाली पार्टी को वापस करना चाहते हैं कि इतना सामान हम आपको वापस देना चाहते हैं, और इस सामान के साथ अब दो ही केस होगा, या तो अब जैसे 10,000 का बिल था और 1,500 रुपए के आसपास का हमने जो गुड्स है वो सामान उनको वापस कर दिया। अब उस 1,500 रुपए से रिलेटेड दो ही केस हो सकते हैं, या वो 1,500 रुपए हमें रिटर्न कर देंगे पैसे, ठीक है, या फिर वो 1,500 रुपए हमें आगे के बिल में एडजस्ट कर देंगे। तो जो सबसे ज्यादा जो केसेस होते हैं, 99% जो केसेस होते हैं वो आगे के बिल में, हाँ बिल्कुल आगे के बिल में एडजस्ट होते हैं। अब जैसे कि इसमें भी एडजस्ट हो गया कि 10,000 का उनका बिल था
और हमने 1500 रुपए की चीजें उन्हें वापस कर दी, अब हमें पेमेंट जो है 8500 यानी कि 8400 के अराउंड कुछ करना है। अब ये पेमेंट भी जो है आपने इनको कर दिया या कुछ आपने पार्शल पेमेंट किया है, तो उसके लिए आप अकाउंटिंग में आएंगे और अकाउंटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का। अब इस पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब जो आपका मोड है, आपने मतलब कैश पेमेंट करी है या अपने बैंक से करी है, तो यहाँ पे स्पेस का बटन सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे कि अब यहाँ पे आपका कोई बैंक या कोई अदर अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो कौन से में है? पीएनबी बैंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पीएनबी बैंक आपका मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये नाम आपका डालना मैंडेटरी है और दूसरा अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर भी अभी मैं 00 मेंशन कर देता हूँ, बाद में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सेव हो गया। अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ पे अब आपको दो अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, पीएनबी बैंक और कैश। तो मैंने जो इनको पेमेंट करी है सपोज पीएनबी बैंक से ही किया, तो मैंने पीएनबी बैंक को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं किस पार्टी को पेमेंट करने जा रहा हूँ उस पार्टी को मैं सर्च करूंगा। अभी तो यहाँ पे खैर हमारे पास एक ही पार्टी है, जब आपके पास मल्टीपल पार्टीज हो जाएगी जब आप यहाँ पे सर्च करके भी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्च करके, तो अभी यहाँ पे हमारे पास एसबी ट्रेडर, तो एसबी ट्रेडर हमारा आ गया, हमने एंटर किया। अब इनका जो बैलेंस है 8468 रुपए का है, बट हमने इनको 5000 का पेमेंट किया है आज की डेट में। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपने चेक दिया है या आपने इनको RTGS, NEFT या आपने DD दिया है या आपने कुछ और, जैसे बैंक से रिलेटेड आप जो अब वो UPI भी होने लगे हैं, तो आपने UPI किया तो NA पे आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे, जैसे मैंने बताया कि 5000 रुपए मैंने इनको पे किया। अगर आपने इनको कोई चेक या आपने कोई ट्रांसफर किया, सपोज NEFT किया मैंने, तो NEFT भी मैं मेंशन कर सकता हूँ और उसके बाद आप एंटर करेंगे। आप यहाँ पर NEFT का नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे NEFT किसी को भी करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, तो वो रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं। अब ये 5000 का मैंने पेमेंट किया है, उसके बाद इनके जितने भी जो बिल्स हैं वो सारे बिल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब मैंने कौन से बिल की इनको पेमेंट करी है, तो ये बिल इनके पास हमारे पास आया था और इस बिल की पेमेंट हमने 5000 रुपए जो है एडजस्ट कर दिए। यहाँ पे 500 शो हो रहा है, मैं 5000 मेंशन कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमने गलती यहाँ पे कर दी है जी, हमें यहाँ पे 5000 मेंशन करना है ताकि ऑटोमेटिक फिर वो यहाँ पे भी 5000 को ही पिकअप करे। ठीक है, अब यहाँ पे भी 5000 आपका शो हो रहा है। उसके बाद आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे और अगर और भी कोई कमेंट है आपका, जैसे आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत जो है ऑप्शन है। जैसे काफी सिचुएशन हो जाती है, मान लीजिए अगर आपने इनको कैश पे किया तो इनके यहाँ से हो सकता है कोई आपका इनका सेल्समैन आपके पास आया हो, कोई मैनेजर आया हो, या फिर आप सेल्फ गए हो इनके पास कैश को देने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन के तो सारे रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन रहते हैं पर कैश का मेंटेन नहीं होता, तो कैश के लिए आप यहाँ नरेशन अपना लॉन्ग नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब 8468 का इनका बैलेंस था, 5000 रुपए हमने इनको पे कर दिया, समथिंग अराउंड 3000 रुपए के आसपास इनका बैलेंस होना चाहिए। तो आप मास्टर में जाके लेजर मास्टर सॉरी अकाउंट मास्टर में जाएंगे और लेजर पे क्लिक करेंगे और इसको आप यस करेंगे क्योंकि ये एंट्री खुली है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एसबी ट्रेडर, तो देखिए एसबी ट्रेडर का जो बैलेंस है अब वो 3468 रुपए का है। अगर इनकी डिटेल देखनी है कि 3468 रुपए कैसे है, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है नीचे लेजर, इस लेजर पे आप क्लिक करेंगे और लेजर पे क्लिक करने के बाद डेट मेंशन करने का, यहाँ पे डेट भी मेंशन कर सकते हैं चाहे तो आप, सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इनकी जो भी हिस्ट्री है यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। 28 तारीख को आपने इनसे परचेज का बिल लिया जो कि 10400 का था, 10004 रुपए का था। उसके बाद आपने 30 तारीख की डेट में इनको एक डेबिट नोट दे दिया, यानी कि सामान कुछ वापस कर दिया आपने 1536 रुपए का। अब इनका बैलेंस है 8468। फिर आपने 30 तारीख की डेट में ही अपने पीएनबी बैंक से 5000 रुपए इनको पे किया है, अब इनका बैलेंस है 3468 रुपए का। तो पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं लेजर पे क्लिक करके।
ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको परचेज के केस बताए जो आपके पास स्टॉक और परचेज के केस हैं, कि हमें स्टॉक बाय करना है, बाय करते समय 2 से 3 सिचुएशन होती है कि हमें सामान वापस करना पड़ता है या उनको पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो भी आप जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था परचेज से रिलेटेड।